ये मैं पहली बार स्माइल फाउंडेशन से जुड़ रही हूँ. मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मुझे बस यही लगा कि यू नो आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मैं पहली बार स्माइल फाउंडेशन के साथ में जुड़ रही हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट करते हैं जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट दिस ईयर. मेरी पीआर टीम ने मुझे बताया कि मेरी पीआर टीम ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके एक स्माइल फाउंडेशन है जो कि बच्चों के लिए यू नो ऐसा काम कर रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए. सो आई थॉट दैट definitely I should be a part of it. Today I'm shooting, but I told my production that you know it's a very good cause and I should you know go and talk to media people. So that hota kya hai ki hum sab actors glamour field se hain aur hum jo bhi baat kehte hain use bade प्यार से और ध्यान से सुना जाता है. तो अच्छी बात है अगर हमारी तरफ से कुछ हो सके सोशली हम कुछ कर पाएँ. हम सारे एक्टर्स मिलकर इकट्ठे होकर कुछ बोलेंगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी. और मैं चाहती हूं कि हर कोई इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझे और गंभीरता से इस बात को ले कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड टू बी एजुकेटेड. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे कम करिए, एक करिए, दो करिए, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत नहीं है तो प्लीज़ ज़्यादा बच्चे मत करिए. लेकिन एक दो बच्चे जो भी आपके पास हैं भगवान ने आपको दिए हैं प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से पढ़ाइए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, उन्हें अपने यू नो इंडिपेंडेंट बनाइए कि वो इमोशनली फाइनेंशियली किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहें और आपको हमेशा प्राउड कर पाएँ. जैसे भी मतलब ये भी एक तरीका ही है हेल्प करने का कि यू नो आपकी स्केड्यूल चाहे कितना भी हेक्टिक है लेकिन आप फिर भी यू वांट टू मेक श्योर दैट नो यू कम हियर टॉक टू यू गाइस एंड आपके ज़रिए हमारी जो आवाज़ है वो यू नो छोटे शहरों में जितने लोग हैं मासेस हैं जितने भी लोग हैं हमारी बात को समझ सकते हैं वो उसको सुन पाए. तो एक ज़रिया है, एक तरीका है आज जिस तरीके से. और भी जो भी हेल्प इन्हें चाहिए होगी डेफिनेटली इन फ्यूचर हम शायद और भी बड़े लेवल पर ऐसे फाउंडेशन को और ऐसी बातों को कहेंगे और मैं वहाँ पर आपको ज़रूर दिखूँगी स्माइल करते हुए. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इन्होंने स्माइल फाउंडेशन ने इनवाइट किया है. मेरी भी बेटी है, मैं भी मदर हूँ तो मुझे पता है कि यू नो बेटी के लाइफ के लिए यू नो उनको पढ़ाने के लिए उनकी एजुकेशन उनका अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे. ये चीज़ का अवेयरनेस मुझे भी आज मिला है. मैंने भी बहुत पढ़ा ऑनलाइन कि नो दिस इज़ वेरी इट्स अ गुड आइडिया to create awareness among the society. Education. बहुत ज़्यादा important factor है especially लड़कियों को. I think जितना वो उनको encouragement मिलेगा society से parents से उनके लिए बहुत अच्छा है. उनके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. हाँ नहीं आई थिंक विलेजेस में भी लोग अवेयर हो चुके हैं. आज आप YouTube पे डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए. यहाँ पे सिटी में सब बात करते हैं लेकिन आई थिंक विलेजेस में भी अवेयरनेस शुरू हो गई है थ्रू मीडिया थ्रू चैनल्स. उनको भी ये समझ में आ गया है कि लड़की का पढ़ना एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है. हम सबके लिए ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है. मैं फिक्शन ही करूँगी अभी बट मेरी बहुत छोटी सी बेटी है तो मेरी पूरी प्रायोरिटी मन्नत है उसका नाम तो मैं 100% उसको देती हूँ. लेकिन अभी ऑफ़र आएंगे मैं ज़रूर हाँ बोलूँगी. थैंक यू.
Jhelum, which is organized by Smile Foundation, and you know, all the money that will be raised from the sale of the clothes would go towards the empowerment of the girl child, for their education, for their नानी यहाँ जी कहाँ करना है वाइट यहाँ करते हैं अरे यहीं ले लो ना यार यहीं कर हेलो हेलो किस तरीके से आप इस फाउंडेशन से जुड़े हैं इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सो स्माइल फाउंडेशन से मैं लास्ट 3 ईयर से जुड़ी हूँ एंड यू नो आई रियली रियली वर्क विद देम फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड दिस इज़ अ कॉज कॉल्ड शी कैन फ्लाई बाय द स्माइल फाउंडेशन एंड टुडे झेलम इज सपोर्टिंग इट एंड देयर इज अ चैरिटी ट्रंक सेल विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सो वट एवर फंड्स वुड बी रेज फ्रॉम द sale of the clothes, you know, they would go for the empowerment and instilling the girl child with a lot of confidence boosting, skill development and working on their nutrition, health and their education. So I think it's a very, very good cause and I would like to request all the fashionistas to please do come here and buy clothes and also, you know, help in the cause. Okay, ma'am, what can I say? I'm really happy that I am launching my season's festive collection in such a beautiful way. I think I could have no better way to launch it than being attached with Smile Foundation. I look forward to doing many more activities with Smile going forward. बहुत खूबसूरत कलेक्शन है दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट विजिट टू झेलम मैं पहले भी यहाँ शॉप कर चुकी हूँ सो यू नो शी इज़ गॉट वेरी वेरी नाइस डिज़ाइनर्स जो कि इंडियन कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक वरुण बाल एंड जे जे बलाया अंजू मोदी सो ऑल द गुड डिज़ाइनर्स आर हियर एंड लाइक यू कैन लुक अराउंड द क्लोथ्स आर वेरी ब्यूटीफुल I think before I planned my stores, I always had a vision to put beautiful things together. So I think this is my way of putting so many beautiful things from across the country together, putting our culture together so beautifully. That's been my inspiration. Okay, बच्चे भी आए हैं आज उनको मूवी भी दिखाने जाने वाली है उसके बारे में थोड़ा बताइए I think you know it's just बच्चों के लिए outing हो जाती है Saturday उनके schools भी off हैं so it's a good way because they'll have an enjoyable day and yeah. ओके इसके अलावा और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ आने वाले हैं सो आई एम वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म बट आई एम नॉट अनाउंसिंग इट राइट नाउ मैम इसमें आप डायरेक्टर प्रोड्यूसिंग या एक्टर डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर आई एम वर्किंग ऑन माय स्क्रिप्ट या अजान पे देखा जाए तो वापस लाउड स्पीकर पे आवाज उठ रही है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में लाउड स्पीकर को लेके जी 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 आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ अच्छा उनके सब उन्हें आप सपोर्ट कर रहे कि नहीं सी ऑफ कोर्स मैं नॉइज़ पोल्यूशन तो नहीं सपोर्ट करती एंड ऑफ कोर्स रिलीजन भी किसी पे यू नो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस एंड अदरवाइज यू नो इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो या ऑल दैट वी कैन से इज़ वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स